आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट बी एड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये, और इसका जो यूनिट वन है वो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। इसका पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में या 16 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों में एक ही तरीके से हमें आंसर लिखना है। थोड़ा सा हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो कर रखा है ये इस तरीके से पॉइंट्स में कर रखा है अलग अलग, पर आप अगर इसे आमने सामने लाइन खींच के और तब उसका कंपैरिजन करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो ज़्यादा वो प्रेफरेबल होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिमिलर वर्ड्स बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम टोटली। कहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसे शब्द है पर अलग है एक दूसरे से, पर पॉसिबल नहीं है उनको पूरी तरीके से सेपरेट करना। ग्रोथ और डेवलपमेंट सिमिलर वर्ड्स है पर वो एक दूसरे से अलग होते हैं, पर पूरी तरीके से उन्हें अलग करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इट इज़ अ होल प्रोसेस विच इंक्लूड्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, एग्जाम्पल द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये होल प्रोसेस होता है। किस चीज़ का होल प्रोसेस है? किसी भी चाइल्ड की जो ग्रोथ हो रही है बॉडी की, चाइल्ड की बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है वो, और चाइल्ड की पर्सनैलिटी किस किस एस्पेक्ट में ग्रो कर रही है, दोनों को मिला के जो होल प्रोसेस है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी किस किस एस्पेक्ट में ग्रो करती है वो है फिजिकली, इमोशनली, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट्स। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज। डेवलपमेंट जो है ये निरंतर बढ़ता रहता है, चेंज मतलब चलता रहता है, प्रोग्रेसिव चेंज है ये। चाइल्ड अंडरगोज विच इंक्रीज द फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड की जो फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटीज होती है वो चेंज होती है, वो इंक्रीज होती है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ दीज चेंजेस आर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है रचना, किसी चीज़ की रचना होना। तो शुरुआत के टाइम में, लाइफ के शुरुआती टाइम में, अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि ये चेंजेस की रचना होती है। ठीक है, एंड आफ्टर मिडल एज देयर आर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द बॉडी विच लीड टू ओल्ड एज। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश, किसी चीज़ का विनाश होना। तो मिडल एज में ये चेंजेस जो होते हैं ये रुक जाते हैं और धीरे 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 नीचे आता है, तो इस वजह से इसे कहा है डिस्ट्रक्टिव चेंज। तो अर्ली स्टेज क्या होती है चाइल्ड की लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और मिडल एज के बाद ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओल्ड हो जाते हैं। चाइल्ड जो है बढ़ता है अपनी ओल्ड एज की तरफ, विच लीड्स टू ओल्ड एज। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मतलब किसी की हैंड का साइज़ क्या है, किसी के फीट का साइज़ क्या है, चाइल्ड का उसका वेट कितना है, उसकी फिंगर्स के साइज़ क्या है, ये सब हम एक तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। ग्रोथ कम प्राइजेज ऑफ हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑर्गन लाइक ब्रेन एटसेट्रा। ग्रोथ में क्या होता है, हम हाइट, वेट, शेप, साइज, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनका ये सब मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का साइज क्या है। अब ग्रोथ जो होता है इज ड्यू टू सेल डिविजन। हमारा जो चाइल्ड का ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू सेल डिविजन। ग्रोथ इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, ग्रोथ जो होता है ये कंटिन्यूस होता है पर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइम पर आकर रुक जाती है, तो इसीलिए इसे मैं कहा है कि ग्रोथ जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होता है।
ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ये क्वांटिटेटिव होता है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। ग्रोथ जो होता है बताता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी को के एस्पेक्ट के बारे में बताता है, पर पूरी तरीके से नहीं बता सकता, एक लिमिटेड ही बता पाता है। डेवलपमेंट के बारे में आते हैं। डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो ग्रोथ है इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, तो डेवलपमेंट में ही ग्रोथ, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ओके, तो डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ। यहाँ पर क्वांटिटेटिव इसलिए कहा है क्योंकि इट इंक्लूड्स ग्रोथ, और क्वालिटेटिव इसीलिए क्योंकि हमारी चाइल्ड की जो फिजिकल, इमोशनल, ये सब जो डेवलपमेंट है ये उसकी क्वालिटीज़ को बताता है। देन इन दिस विद द फिजिकल चेंजेस कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल चेंजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कहता है यहाँ पर फिजिकल चेंज के साथ साथ इमोशनल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, ये सब भी आते हैं, इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। इट हैपन ड्यू टू मोटर एंड एडजस्ट मेंटल प्रोसेस एंड देयर इंटरप्ले। जो ग्रोथ होता है वो ड्यू टू सेल डिवीजन होता है, पर यहाँ पर मोटर और मेंटल प्रोसेस की वजह से होता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस टिल डेथ। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहता है टिल डेथ। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर बिहेवियर। अब कोई भी पर्सन कितना डेवलप है वो हम देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके मैच्योर बिहेवियर से। वो अगर मैच्योर है तो हम देख पाते हैं कि हाँ ये डेवलप है, कितना डेवलप है, हमें उसकी डेवलपमेंट के बारे में उसकी मैच्योरिटी से पता चलता है। डेवलपमेंट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड हैज़ अ वास्ट स्कोप। डेवलपमेंट में सारे हम ग्रोथ में क्या था कि हम किसी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को हम देख पाते हैं, सबको नहीं देख पाते, पर यहाँ पे हम सारे एस्पेक्ट्स को पर्सनैलिटी के देख पाते हैं और वो भी वास्ट स्कोप में देख पाते हैं डेवलपमेंट में। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। बाकी अगर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी इनफ है, लिखने के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी और आगे इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, क्वेश्चंस के समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।